ऑल राइट, वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन एक्को बॉय, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइज, आज का टॉपिक काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था और इस पर आज बना रहा हूँ कि टर्टल रेस्पिरेटरी इश्यूज या इन्फेक्शन क्यों होते हैं, और बाकी इसके डिटेल के बारे में बताऊँगा। बट देन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो भी इंस्टाग्राम में मेरे जितने DM आते हैं, सो अगर मेरे को अगर 10 DM या 20 DM आ रहे हैं, तो उसमें से 10-12 DMs इसी के बारे में होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि मैं इसको, पहले इसका वीडियो मैंने बनाया था, बट देन इस बारी थोड़े और डिटेल में, एज इन डिटेल तो पूरी इसमें भी बताई थी, बट क्या रीज़न है और क्या आप कर सकते हैं ताकि वो ठीक हो जाएं, तो उसी के बारे में वीडियो होने वाला है आज। तो चलो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सबको फीड करता हूँ और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं टर्टल्स को डाल रहा हूँ मील वॉर्म्स, इसके पहले ख़त्म हो गए, वो मुझे लेके आने, और शॉप भी आज बंद है तो नहीं ला पाया। तो पहले इसको हमने डाल दिए अपने मील वॉर्म्स, और चलिए मैं इनके पैलेट्स लेके आता हूँ। इनको मैं डाल रहा हूँ अपना मिक्स ऑफ रेगुलर पैलेट्स एंड 3-in-1 पैलेट्स। तो ये सब यहाँ पर खा रहे हैं, जाइंट ग्रामी हो रही, वो बाद में निकल के आती है खाने के लिए। फिर इसका भी जल्दी से एक अपडेट देना है, जैसे कि इनके साइज़ के बारे में और इनके फिन्स के बारे में, कि कितने प्यारे और बड़े हो रहे हैं। और वो देखिए, तो हो गई हमारी जाइंट ग्राम, और ये लिया उसने, ये खाया। अब चलिए, अब चलते हैं मिनी पॉन्ड के पास, और टर्टल भी खा रहा है, आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा बोलीज एंड पेट्सोल का। ये भी फिर से वापस ऊपर आने लगे, खा रहे हैं और बेबीज। कुछ इस तरीके का दिखता है, पेल हो जा रही है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और इनको खाने देते हैं, बहुत सारे अब आ रहे हैं धीरे धीरे ऊपर। चलिए, बारी हमारे ऑस्कर और पैरेट्स की। तो ये रहे, इसकी स्किन थोड़ी ये फाइट में निकली है, ये आजकल ज़्यादा ही फाइट कर रहे हैं, ये और जो बड़ी वाली ऑस्कर वो पीछे जा रहा। ये सब खाते हुए, और टैंक काफ़ी साफ चल रहा है। तो चलो, इनकी भी बारी हो चुकी है, अब चलते हैं बेटास के पास। ये रही हमारी रेड बेटा फिश, ये देखिए, इसको मैं डालता हूँ। तुरंत जाके खाती है, आराम से मस्त खाती है। ये रही हमारी दूसरी बेटा फिश, और इसके साथ जो कपीज हैं वो दोनों मस्त हैं अभी तक, तो दोनों रह रहे हैं आराम से। तो इसको भी हम खाना डाल देते हैं। बढ़िया है, बढ़िया चल रहे हैं, कलर काफी प्यारा है इनका। ये रहे हमारे ग्रामीस, इनको डालता हूँ मैं खाना। देखिए, खा रहे हैं सारे। तो इसमें रेगुलर ग्रामी, डॉटेड ग्रामी, येलो ग्रामी, डॉर्फ और पर्ल ग्रामी है। तो अब इनको हम खाने देते हैं
और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम टर्टल के रेस्पिरेटरी और इन्फेक्शन या इश्यूज क्यों आते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ गाइस क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डीएम आते हैं और सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम यही होती है। तो मेरे को लगा कि आई मीन आई यूज़ टू फील वेरी बैड बिकॉज होता क्या है कि जो अगर बेबी स्टर्टल में अगर ये इशू हो जाए तो बहुत मुश्किल है उसको रिकवर करना। अगर जैसे कि मेरे पास अगर 10 केस आए तो उसमें से सिर्फ 3 या 4 ही बच पाते हैं और नहीं बच पाते अगर वो कोई हार्डली अगर 1, 2 या 2.5 इंच के टर्टल्स हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न पहले तो चलो बता देता हूँ कि जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनने मेरा वीडियो देखा होगा कि मैंने उनके सिम्टम्स बताए थे कि वो अगर ऊपर आके गास्प कर रहे हैं या अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर रहे हैं या जैसे कि वो ऐसे करके गास्प करेंगे, अभी तो ये देखो गुस्सा हो रहा है, तो इनका ये पोर्शन बेल फूलता है, मतलब दे गास्प फॉर अ ब्रीदिंग और या ऊपर बैठे रहते हैं तो ये एक इनके रेस्पिरेटरी इशू होता है। तो अगर इस एज में हो रहा है तो स्टिल इट इज़ ट्रीटेबल, आप आराम से कर सकते हैं, बट अगर छोटे भी हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है। एंड आई फील वेरी सैड कि मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप लूजिंग देयर टर्टल्स। तो सबसे बड़ा रीज़न कि जब आप छोटे वाले टर्टल्स लेके आ रहे हो, रिगार्डलेस आप राजस्थान में हो, गुजरात में हो, केरला में हो, ठंड हो रही है या नहीं हो रही है, अगर आप छोटे टर्टल्स लेके आए हो तो उनको प्लीज़ आप हीटर प्रोवाइड करिए। आप बोलिए नहीं हमारा ऑलरेडी यहाँ पर टेम्परेचर बहुत गर्म रहता है। अगर आप रूम में पानी रख रहे हैं और पानी जब तक रूम में स्टिल रखा हुआ है तो वो रूम टेम्परेचर पे आके उसका टेम्परेचर गिर जाता है, कहीं 20 से 22 या 18 भी चला जाता है, 16 भी चला जाता है, और जो टर्टल के लिए काफ़ी हार्मफुल है बिकॉज ये कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल हैं तो इनको वार्म चाहिए। तो अगर आप प्लीज़ ये वीडियो जो नए आपके दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करिए कि सबसे बेसिक है टू अवॉइड उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज कि आप जब छोटा वाला टर्टल लेके आ रहे हैं हीटर इंस्टॉल करें। प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर बिटवीन 26 to 28। और जब कभी इनफैक्ट टेम्परेचर की अगर बात आई है तो अगर जब लग रहा है कि और ठंडा हो रहा है तो आप 28 से 30 के बीच में भी कर सकते हो ताकि उनका टेम्परेचर गर्म बना रहे, उनका एनवायरमेंटल वार्म बना रहे ताकि उनको रेस्पिरेटरी इशू ना हो। एक और चीज़ कि जो इन्फेक्शन होने के कारण ये भी होता है कि जब वो ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, ट्रैवल होके आते हैं तो उनके अंदर ना विटामिन ए डिफिशेंसी आ जाती है, जो मैंने आपको बताया था कि आप कैरेट शॉप दे के वो विटामिन डिफिशेंसी ए को आप हटा सकते हैं। सो जब भी तो वेरी बेसिक जब भी आप नई टर्टल लेके आ रहे हो एक्वेरियम हीटर 100% लगाएं। दूसरा आप सेफर साइड के लिए उसको 2 बारी कैरेट सोप दे दें, जो अभी मतलब मैंने उसका वीडियो डिटेल में बनाया, इनफैक्ट अभी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए। तो बेसिकली हीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको चाहिए ही चाहिए। एंड दूसरा सेफर साइड के लिए आप कैरेट सोप दे दें 2 बारी, वो भी ल्यूक वार्म वाटर में, वो पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट जो मैं पिछले वीडियो में मैं मिस कर गया था कि जैसे कि मैंने आपको टैबलेट्स सजेस्ट किए थे कि मॉक्स 500, नोवोमैक्स और एमॉक्सिलिन, तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूँ अगर आपके आसपास वेट हैं तो प्लीज़ पहले तो आप उनसे कंसिडर करिए। बट आई नो इंडिया में इतना ये वेट्स का है नहीं, क्रिया चलन या चला चलन बोलते हैं जो भी है, तो उस वजह से मैंने भी खुद ही जब किया था तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बट आई एम नॉट एन डॉक्टर तो मेरा ये मतलब ले लेना, बट मैंने पिछली बार ये जरूर मिस किया था कि अगर आप कोई भी टैबलेट लेते हैं तो नॉक्स की अगर टैबलेट ले रहे हैं तो वो अच्छा खासा कैप्सूल आता है, उसका आपको सिर्फ 1/4 लेना है, फुल टैबलेट मत लेना। अगर आप ज़्यादा ले लोगे वो एंटीबायोटिक्स हैं और टर्टल्स के लिवर या किडनी को डैमेज कर सकती हैं, सो यू हैव टू टेक ओनली 1/4 वीकली ट्वाइस। तो देर आर 3 मेथड्स, जो सबसे ईजी मेथड वही है कि आप सेपरेट बाउल में ल्यूक वार्म वाटर लें, 1/4 कैप्सूल उसको उस पानी में डाल के टर्टल को उसमें सोक करें ताकि वो पानी उसके मुंह में जाएगा और वो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ इसके जो उसके नेजल और रेस्पिरेटरी को ठीक करने की कोशिश करेंगी। तो एक ये तरीका है, एक आप उसके पूरे टैंक में डाल सकते हैं जो आपका टैंक है और वो पूरा अगर आधा कैप्सूल पूरा डाल दें बट लेकिन उसका पानी फिर आप 7-8 घंटे के बाद ऑलमोस्ट 50-60% पानी आप चेंज कर दें, या फिर इंजेक्शन से आप उस पानी को हल्का सा पिला सकते हैं या रुई से पिला सकते हैं, बट वो तो इतना ईजी नहीं है, तो सोक वाला सही है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज्ड ओनली 1/4 ऑफ द कैप्सूल, अदरवाइज वेट की सुविधा है तो प्लीज़ जाइए उनके पास। तो यही था बेसिकली, अब मतलब मैं इसलिए बनाना चाह रहा था, इसके बारे में इसलिए बताना चाह रहा था बिकॉज इसके बहुत सारे केस आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ही
और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रेस्पिरेटरी इशू का थोड़ा भी आप अगर कोई सिम्टम देखते हैं तो आप अचानक से उनको दवाई खिला दूँ ये नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ गर्म टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर देने की कोशिश करें, उनका ये वो एक्वेरियम हीटर का टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा दें ताकि वो गर्म हो, और बिना दवाई के ठीक करने की उनकी उनको आप कोशिश करें। और ठीक है, तो यही था बेसिकली क्योंकि आपको बताना चाह रहा था, बिकॉज इसके डीएम हर बारी आते रहते हैं। तो प्लीज़ डू स्प्रेड दिस वीडियो कि वॉट आर द बेसिक वाई दे, सो दे गेट इट बिकॉज ऑफ विटामिन ए डेफिशेंसी या बैक्टीरियाज होते हैं और इनके कोल्ड टेम्परेचर जो सबसे बेसिक है उसकी वजह से होता है। तो कुछ भी हो, कोई भी सिटी में हो, आप अपना एक्वेरियम हीटर जरूर लगाएं। एंड आई बिलीव अब मैं शायद कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार में डोसेज का मिस किया था कि आपको यूज़ करना है ओनली 1/4 कैप्सूल और वीकली ट्वाइस सिर्फ करें ये प्रोसीजर जो आप पानी में डाल रहे हैं और सोक करवा रहे हैं, दो मैक्सिमम तीन, बट लेकिन दो ही करो वो बेटर है, और ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है, टाइम लेता है। और बेबी टर्टल्स में आई एम सॉरी टू से दिस, इट ब्रेक्स माई हार्ट, लेकिन अगर आपने बेबी टर्टल में अगर इनको रेस्पिरेटरी सीवियर हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता है कि वो फाइट कर पाए। तो चलिए अब मैं पहले इसको छोड़ देता हूँ या फिर वीडियो उसके साथ कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ही वीडियो को एंड करता हूँ, और प्लीज़ डू कमेंट कि अभी आपको टर्टल का कौन सा दोबारा सा रिफ्रेशर टॉपिक चाहिए जो मैंने पहले बनाए थे। मैं पहले बनाता था, थोड़ा कॉन्शियस हो जाता था तो कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते थे, तो अभी मैं बनाता हूँ। सॉरी गाइस, बीच में मम्मी का फ़ोन आ गया था, मैं गुस्सा कर रहा था कहाँ फ़ोन रखा हुआ है। तो ठीक है गाइस, ये था अपना टर्टल के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ टर्टल्स, फिश, पॉन्ड सबके बारे में। तो मेरे वीडियोस मोस्टली टर्टल्स के बारे में रहते हैं, और देन एक हॉबिस्ट हूँ तो फिश एक्वेरियम और पॉन्ड वॉन्ड थोड़ा सेटअप करता रहता हूँ, तो उसके बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। ब्लॉग वीकली दो बार ही आते हैं, संडेज को इट्स अराउंड 12 PM एंड वेनसडेज 8 or 9 PM। तो मैं ऐसे ही वीडियोस निकालता रहता हूँ। अगर आपको ऐसा और भी कंटेंट देखना है तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहें। और जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच, आप इतना सारा सपोर्ट दे रहे हैं। प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, थोड़ा अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स को भी बोलिए कि बढ़ाएं, क्योंकि सब्सक्राइबर कुछ अटक से गए हैं, तो थोड़ा और मदद करिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और जितने आसपास ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आप कैसे भी मदद कर सकते हैं, आप करते रहिए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।